हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज रिटर्न्स का एपिसोड 6। इससे पहले के वीडियोस और प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई कार्ड में मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही साथ आपके सजेशंस और डाउट्स क्वेश्चंस हमें कमेंट करें ताकि हम आपके थाट्स और इन्फॉर्मेशन भी जान सकें। तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिप ऑफ रेज तारों के बीच से जा रही थी एक धोखा खाए इंसान के साथ, जिसे इल्यूमिनाटिस ने निकाला था, जिसमें थे डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट। उन्होंने उसे किसी दूर दुनिया में छोड़ दिया था मरने के लिए, लेकिन वो जिंदा रहा और बेहतर बना, और उसने राज किया अपने अलाइस, अपने दोस्तों के साथ जो थे वॉर बॉन्ड्स। लेकिन उसके दुश्मनों ने डेस्परेट होकर उसकी दुनिया तबाह कर दी, लाखों की जान ली, उसमें वो भी थी जिससे वो प्यार करता था। अब वो घर वापस आ रहा था उनकी दुनिया तबाह करने। उस वक्त वो अर्थ के मून और इन्यूमंस के शहर एटलान की तरफ बढ़ रहा था, और इस बार वो अकेला नहीं था, लेकिन कुछ और ही वहाँ राह देख रहा था। कुछ ऐसा जो दूसरे यूनिवर्स से आया था, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा था। अर्थ जेड के मून पर ब्लू एरिया पे एटलान की आउट्स की हल्क वहाँ लैंड होते हुए कह रहा था, इतने डर गए कि मेरा स्वागत करने भी नहीं आए। और आगे वो ब्लैक बोल्ट को ललकारते हुए कहता है, अपने महल की दीवारों के पीछे छुपना बंद करो डरपोक, अगर तुम यहाँ मुझसे लड़ने नहीं आए तो मैं वहाँ आऊँगा। तब ब्लैक बोल्ट उसे देखते हुए कह रहा था, मैं उसे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। रॉयल फैमिली के पैलेस के बाहर खड़ा होकर हल्क कह रहा था, कमजोर दिल वालों का शहर, और अंदर छुपा है गद्दार ब्लैक बोल्ट। और इतना कहकर हल्क दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो ब्लैक बोल्ट और मेडुसा से पूछता है, क्या हुआ यहाँ? तब मेडुसा कहती है, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जानते तुम किसके खिलाफ खड़े हो। तब हल्क कहता है, अच्छा मजाक है, और मैं भी यही कहना चाहता था, और वो दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ब्लैक बोल्ट और मेडुसा को जॉम्बी बना देखकर वो रुक जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम अब हमारा खाना बनोगे। जब मेरे दुश्मनों ने मुझे अपने डायमेंशन से बाहर निकाला तो वो मेरे लिए लंच पैक करना भूल गए, लेकिन शुक्र है इस डिवाइस का जो मुझे यहाँ मून के ब्लू एरिया में मिला। अब हर डायमेंशन हमारा लंच बनेगा। और तब हम देखते हैं जॉम्बी जेंटमैन जो कह रहा था, हमारे लिए खाना लाने का शुक्रिया क्योंकि हम भूख से यहाँ मरने ही वाले थे। और जेंटमैन हल्क को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। उस पर हल्क पूछता है, जेंटमैन ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हल्क को पंच लग जाता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। आगे वो कहता है, पंच जोरदार तो नहीं था, तो तुम यही करना चाहते हो, तुम पागल मुझे खाना चाहते हो। तब जॉम्बी यूनिमंस कहते हैं, हमें बहुत भूख लगी है और हमारे लिए ग्रीन मांस काफ़ी होगा। तभी आवाज़ आती है कि अपने किंग को बचाओ। तब हम देखते हैं वॉर बॉन्ड को, जहाँ हीरोइन कह रहा था, हम स्कार के वॉर बॉन्ड है, हमने शपथ ली है हल्का साथ देने की। और वो एक एक करके अपना नाम बताते हैं। उस पर हल्क कहता है, अपना इंट्रोडक्शन देना छोड़ो और इन लोगों को मारना शुरू करो। एलॉय काफ कहती है, माइक ब्रूट तुम दोनों बड़े वाले को देखो और बाकी मेरे पीछे आओ, और वो सब अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट चिल्लाता है, ब्रेन्स, जिससे लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। उस पर हल्क बताता है कि ये ब्लैक बोल्ट की सोनिक पावर्स की वजह से हुआ। तब जेंटमैन कहता है, अच्छा क्या ब्लैक बोल्ट, अब ये फाइट उनके बस के बाहर की है। तब सारे जॉम्बीज हल्क के दोस्तों को खा रहे थे। ये देखकर हल्क अपना हथियार उठाने जाता है, चाहे जेंटमैन उससे कहता है, मानना पड़ेगा हल्क, दोस्तों के मामले में तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इतना कहकर वो माइक और ब्रूड को खाने लगता है और आगे कहता है, अब डेजर्ट के लिए रेड कैसा रहेगा? इससे हल्क समझ जाता है कि एलॉय काफ की बात कर रहा है वो, और गुस्सा होकर जेंटमैन को पंच मारता है। तभी हल्क एलॉय को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पे वो उसे छोड़ने को कहती है। लेकिन हल्क उसे मना करते हुए कहता है, मेरे पास तो अब तुम ही बची हो एलॉय, मेरी दुनिया से तुम ही आखिरी हो, उनकी दुनिया राह दे सकती है। तभी एलॉय कहती है, ग्रीन किंग आपके हाथों में कुछ है। और तब वो देखते हैं कि किसी ने हल्क को काट लिया है, जिस पे हल्क चिल्लाते हुए जॉम्बी में बदल जाता है। हल्क जॉम्बी बनकर एलॉय को ही दो टुकड़े में बांटकर खाने लगता है, और साथ ही कहता है, भूख तो बहुत है यहाँ, पर खाना नहीं है, पर वहाँ है। और वो अर्थ की तरफ देखता है। अर्थ सेड न्यूयॉर्क
मैनहट्टन में हल सबको मारकर खा रहा था और न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। ये शुरू हुआ आसमान में लाइट के साथ और मिड टाउन हाथापाई का मैदान बन गया। पिछले आधे घंटे से वो अपने तरीके से सिर्फ खाए जा रहा है। जब तक हम उससे निपट नहीं लेते, आप अपने घरों में रहे। दुनिया अब उसके लिए ऑयस्टर बार बन चुकी है। तभी टोनी स्टार्क का HQ, जो कि HQ था जिम रोड्स यानी आयरन मैन का, जहाँ वो कह रहा था, क्या वो हल्की है? तब प्रोफेसर एक्स हल्का दिमाग पढ़ते हुए कह रहे थे, हाँ ये हल्की है, उसके अंदर भूख है, बहुत सारी भूख, और वो क्या है ये मैं नहीं जानता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, जेवियर इसके जिम्मेदार हम हैं, हमने उसे धोखा दिया। तब रीड कहता है, धोखा दिया स्टीफन? हमने उसे एक ऐसी जगह भेजा जहाँ वो दूसरों को नुकसान ना पहुँचा सके, हमने उसे शांति से जीने का एक मौका दिया। तब रोडी उन सबको बस करने को कहता है। रोडी आगे कहता है, लोग बाहर मर रहे हैं, मैं इन जैसों से पहले भी लड़ चुका हूँ, लेकिन ये एक असली मॉन्स्टर है। मुझे परवाह नहीं कि वो यहाँ कैसे आए या उसे क्या चाहिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ एक आदमी है इस प्लेनेट पर जो उसे रोक सकता है, जिसने अपनी पावर्स एक्सेप्ट की, जिस पर अभी भी वो भरोसा करता है। एक ऐसा इंसान जिसे वो कहता है गोल्डन मैन, एक ऐसा इंसान जिसे हम कहते हैं सेंट्री। और सेंट्री हल्क की तरफ बढ़कर कह रहा था, ब्रूस मुझे माफ़ करना। उसी के साथ बड़ा धमाका होता है जहाँ सेंट्री हल्क को लेकर दूर जाकर गिरता है, जहाँ सेंट्री हल्क से कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम अपनी शांति खो चुके हो, लेकिन आसपास के न्यूयॉर्क के लोगों को खाना पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है, और जितना इससे मुझे दर्द होगा। तभी उसे बीच में ही रोककर हल्क बैनर बनके उसे बस करने को कहता है। तब सेंट्री नॉर्मल फॉर्म में आकर पूछता है, ये तुम्हें क्या हुआ है ब्रूस? तब ब्रूस बताता है, तुम नहीं समझ सकते, कोई भी इस हंगर को नहीं रोक सकता। तब रॉबर्ट कहता है, ये जो भी है हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे, हम इसे रेड को दिखाएंगे। तब ब्रूस कहता है, नहीं बॉब तुम नहीं समझ सकते। बाइट करके कहता है, अब तुम समझोगे। और सेंट्री जॉम्बी बनकर कहता है, मैं समझ गया। उस पर हल्क कहता है, हम दोनों को अब कोई नहीं रोक पाएगा गोल्डन मैन, एक साथ हम पूरी सिटी, पूरा प्लेनेट, पूरी गैलेक्सी अपने कब्जे में ले सकते हैं। तभी स्पाइडी ऊपर बिल्डिंग पर बैठा ये सब देख रहा था और कह रहा था, ये तो बहुत बुरा हुआ, जायंट मैन और मैं भले ही सेम इन्फेक्टेड दुनिया से हो, लेकिन उसने मेरी तरह हंगर को हराना नहीं सीखा, मुझे बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी इससे पहले कि ये लोग मासूम लोगों को खाए, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। एवेंजर डिसमेंबर।